नमस्कार भाई और बहनों, भाई और बहनों, आप इस वीडियो में सीखोगे कि हम तीन सॉकेट और तीन स्विच का कैसे कनेक्टिविटी करते हैं। सभी आप ध्यान से देख रहे हो, तो इसको सभी ध्यान से देखना है। अब इसको हम ऐसा उल्टा करके ऐसे कर देते हैं। तो जो आप देख रहे हो बोर्ड के अंदर, उसी तरह नोट नहीं दे देते कितना, तीन दो पाँच स्टार्ट का नहीं मिल पाता। ये जो है यहाँ पर आप न्यूट्रल लगाते हो, न्यूट्रल बनाते हैं यहाँ पर, और इसको न्यूट्रल को हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिया और इसको हमने यहाँ कर दिया। तीनों सॉकेट में हमने न्यूट्रल डाल दिया, ये आप देख रहे हैं। एक को न्यूट्रल हमने यहाँ से निकाली तार, तो इसको हमने यहाँ लगा दिया सॉकेट में, इस सॉकेट से हमने इसमें लगा दिया। इसके बाद हम देखोगे कि आप ये जो मेन है, ये दो तारें अलग हैं, एक नहीं है, ये दो तार हैं। इसको बीच सेंटर से काट देते हैं। तो इस तार को क्या करते हैं, ये जैसे ये न्यूट्रल लगा दिया तो हमने मेन फेस को हमने यहाँ लगाना है। मेन फेस को एक को हमने इससे निकालना है, इन दोनों में से, इससे हमने इसको पावर दे दिया, फिर इसको हमने यहाँ दे दिया। इसका तो हमने तीनों स्विच के अंदर पावर दे दी है। और जो ऊपर का हिस्सा है, ये देखोगे, इसको हमने यहाँ जोड़ दिया और इसको यहाँ जोड़ दिया और इसको हमने यहाँ जोड़ दिया और ऐसे ही इसको हमने यहाँ जोड़ दिया। तो ऐसे हम बोर्ड के कनेक्टिविटी करते हैं। और अगर आप लोग मेन को यहाँ लगा देते हो, ये ऊपर वाला है, इसमें लगा दे तो भी बोर्ड जल जाता है, इसमें लगा दोगे तो भी बोर्ड जल जाएगा, इसमें लगा दोगे तो भी जल जाएगा। तो मेन फेस जो होता है, ये तार अलग है, ये तार अलग है, दोनों तारे अलग हैं। इसको हमने यहाँ लगाना है, फिर हमने यहाँ लगाना है, फिर यहाँ लगाना है। तो ऐसे हम बोर्ड बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।